साहस सरोकार। पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद की बड़ी मुश्किलें, हजरतगंज थाने में दर्ज हुई FIR, रामचरितमानस पर दिया अभद्र बयान। सीएम योगी ने अवध शिल्पग्राम में 3 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया, हर्षोल्लास के साथ मनाया गया 73वां यूपी स्थापना दिवस का आयोजन। बाबा बागेश्वर धाम के समर्थन में आए हिंदू महासभा के सदस्य, बागेश्वर धाम की नीतियों के साथ हिंदुत्ववादी संगठन। दिल्ली NCR समेत उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में भूकंप के तेज झटके हुए महसूस, नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने भूकंप की तीव्रता 5.8 केंद्र में बताया। नेपाल विमान हादसे में 4 भारतीयों के शव बरामद, मृतकों के परिजनों को सौंपे गए शव, सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त की उपस्थिति में हुआ अंतिम संस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। खबर लखनऊ से है जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने अवध शिल्पग्राम में 3 दिवसीय यूपी दिवस का कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जन्म लेना गौरव की बात है, बाबा विश्वनाथ भगवान श्री राम और श्री कृष्ण की जन्मभूमि के रूप में जानी जाती है। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश दंगों के लिए जाना जाता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बाद पिछले 5 वर्षों में हुए विकास की यूपी की पहचान बदली है। उत्तर प्रदेश अब एक्सपोर्ट प्रदेश के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत विकासशील देशों से आगे बढ़ सके, भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। सीएम योगी ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ 12 खिलाड़ियों को लक्ष्मण और रानी लक्ष्मी अवार्ड से सम्मानित किया है। इस दौरान 16 लोगों को विवेकानंद यूथ अवार्ड और कॉमनवेल्थ गेम में पदक विजेता प्रतिभा करने वाले 14 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। खबर लखनऊ से है जहां पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ हजरतगंज कोतवाली में शिकायतकर्ता शिवेंद्र मिश्रा ने FIR दर्ज कराई है। शिकायतकर्ता ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से हिंदू समाज आहत हुआ है। हाल ही में स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस के कुछ हिस्सों पर आपत्ति जताते हुए पाबंदी की मांग की थी। उन्होंने कहा कि समाज के एक विशेष जाति वर्ण और वर्ग के आधार पर अपमान होता है। स्वामी प्रसाद बयान पर हिंदू समाज में नाराजगी है। जहां स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर लगातार सियासत तेज होती जा रही है, वहीं अब लखनऊ में इनके बयान पर FIR दर्ज करा दी गई है। शिकायतकर्ता ने लखनऊ के हजरतगंज थाने में इनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़ेंगे। विभांशु, देखा जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान लगातार सियासत तेज होती जा रही है, वहीं अब हजरतगंज के थाने में इनके खिलाफ FIR दर्ज करा दी गई है। जी नंदनी, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का रामायण को लेकर जो विवादित बयान है, अब कहीं ना कहीं वो सियासी हलचल बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी और हिंदुवादी संगठन लगातार उन पर कहीं ना कहीं कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो वहीं राजधानी लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में उनके ऊपर IPC की धारा 295A, 298, 504, 505, 153A के तहत उनके ऊपर FIR की गई है। आपको बताएं कि एसबाग के शिवेंद्र मिश्रा की तरफ से FIR दर्ज की गई है। और आपको बताएं कि जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता समाजवादी पार्टी के नेता को चुनौती दे रहे हैं कि आप उन्हें उनके पद से बर्खास्त करें और उनकी सदस्यता उनकी रद्द की जाए और सपा से उन्हें बाहर निकाला जाए, वहीं इसको लेकर समाजवादी पार्टी में भी दो टुक बन चुका है। एक धड़ा कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के
जो नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य उनके बर्खास्तगी की मांग कर रहा है। साथ ही आज शिवपाल यादव अपने विधानसभा क्षेत्र जसवंत नगर गए थे, वहां उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हम इनके बयान, स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान है, उसका समर्थन नहीं करते हैं। और अब आने वाले दिनों में देखने वाली बात ये होगी कि क्या वाकई में समाजवादी पार्टी से स्वामी प्रसाद मौर्य का रिश्ता रहता है या खत्म हो जाता है, वो आने वाले दिनों में साफ होगा। जी विभांशु, देखा जाए तो लगातार बीजेपी हमला कर रही है और कहीं ना कहीं अब इसको लेकर हिंदू महासंगठन जो है लगातार रामचरितमानस को लेकर भी इन पर हमलावर हो रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो अखिल भारतीय हिंदू महासभा की तरफ से आज राजधानी लखनऊ में उनकी बर्खास्तगी और कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया है। इससे साफ है कि कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता हैं हिंदू संगठन के, वो उनका साफ एक ही मंशा है कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाए और कहीं ना कहीं उनकी सदस्यता को रद्द किया जाए। जी जी, क्या लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक एजेंडे के तौर पे, क्योंकि वो एक राजनेता है, उन्हें पता है कि क्या बयान उनका उनको विवादों में घिरा सकता है, तो क्या उन्होंने एक एजेंडे के तौर पर ये बयान दिया है? जी नंदनी, आपको बता दें कि राजनीतिक पंडितों के मुताबिक कहा यह जा रहा है कि बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के रामायण के बयान के बाद अब उत्तर प्रदेश के सपा नेता ये बयान दे रहे हैं, तो मंडल और कमंडल की जो राजनीति है उसमें कहीं ना कहीं रफ्तार देखने को मिल रही है। बात की जाए तो ओबीसी वर्ग और एससी वर्ग को साधने की कहीं ना कहीं राजनीतिक पंडितों के मुताबिक ये एक प्रयास है, वो आने वाले दिनों में देखने वाली बात ये होगी कि 24 को लेकर लगातार सभी पार्टियां लगातार दौरे और अपने अभियान चला रहे हैं और इस रामायण के ऊपर बयान से कितना सियासी फायदा होता है वो 2024 के चुनाव के बाद साफ होगा। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवांशु। खबर लखनऊ से है, यहां बागेश्वर धाम बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के सदस्यों ने हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा के समीप प्रदर्शन किया है। महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पदाधिकारी समेत अन्य सदस्य प्रदर्शन में शामिल रहे। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिशिर चतुर्वेदी ने कहा कि धर्मद्रोही लोग बाबा का अपमान कर रहे हैं। बागेश्वर बाबा हिंदू राष्ट्र की बात कहते हैं, हिंदू महासभा उनके साथ है। धर्मांतरणों की घर वापसी और हिंदुत्ववादी मुद्दों पर उनके साथ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष शिशिर चतुर्वेदी ने बताया कि जादू टोनी के मुद्दे पर हमारा कोई लेना देना नहीं है। आज समर्थन में आज अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी जी, हमारे प्रदेश के प्रवक्ता हमारे महादेव बाबा जी, इंग्लैंड से आए हुए हमारे साधु संत और तमाम और संगठन के हम लोग सब लोग यहाँ आए हैं। जिस प्रकार से धर्मद्रोही लोग हमारे बागेश्वर वाले बाबा जी का के खिलाफ जिस प्रकार टिप्पणी कर रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं, उसको लेकर के आज पूरे देश में सबसे पहले अखिल भारत हिंदू महासभा आई है मैदान में। जिस प्रकार से बागेश्वर वाले बाबा इस देश को हिंदू राष्ट्र की बात कह रहे हैं, ये कल्पना जो हमारे वीर सावरकर जी ने आज़ादी से पहले दी थी, तो ये देश हिंदू राष्ट्र बने इसको लेकर जो उनकी उनका समर्थन है, उसके साथ हिंदू महासभा खड़ी है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़ेंगे। विभांशु, देखा जाए तो बाबा बागेश्वर धाम का मामला भी लगातार देश में एक तूल पकड़ता नजर आ रहा है। अब हजरतगंज में इसके लिए हिंदू महासभा ने प्रदर्शन किया है। विभांशु, देखा जाए तो बाबा बागेश्वर धाम का मामला भी देश में तूल पकड़ता नजर आ रहा है। अब ये कहीं ना कहीं लखनऊ में हिंदू महासभा ने इनके समर्थन में प्रदर्शन किया है। जी नंदनी, आपको बता दे कि बागेश्वर धाम को लेकर जहां लगातार जो मीडिया जगत है उनके पीछे लगा हुआ है, लगातार उनके जो तंत्र मंत्र है उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, वही AIM के प्रमुख अवैसी का कहना है कि अगर वो इतनी चीजों को पता लगा लेते हैं, वो भाप लेते हैं, तो वो पुलवामा में जो RDX आया था उसको भी बताएं कि वो कहां से आया था। इन सब चुनौतियों के बीच आपको बताएं कि राजधानी लखनऊ के हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में आज कार्यकर्ता गांधी प्रतिमा पर एकत्रित होकर और कहीं ना कहीं बागेश्वर धाम का
जो तत्व मंत्र है उसको समर्थन कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उन्होंने कहा है कि इससे हिंदू आस्था जुड़ी है। और बागेश्वर बाबा के समर्थन में जो हिंदू सभा के लोग हैं वो नारा लगाकर उनका समर्थन किए। और इसको लेकर जो हिंदू महासभा के प्रदेश राष्ट्रीय प्रवक्ता है सुशील चतुर्वेदी, उन्होंने कहा कि हमें जो हमारे धर्म के सन्यासी हैं, जो पुजारी हैं, उनका अपमान हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। और वहीं उन्होंने जब उनके तंत्र मंत्र पर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि ये उनकी सिद्धियों का सिद्धियों में की ताकत की वजह से है, और वो आम जनमानस के अंदर में नहीं पाया जा सकता है। जो व्यक्ति अपने बचपन से ही लगातार पुराणों को और तमाम जो ग्रंथ है उसको पढ़ रहा है उसके अंदर ये ताकत आ जाती है। और कहीं ना कहीं जो साइंस है वो कहीं इन पे बाबा बागेश्वरनाथ पे सवाल उठा रहा है। वो आने वाले समय में साफ होगा कि क्या वाकई में बाबा की जो कला है वो सही है या गलत। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभांशु। खबर गाजियाबाद से है। यहाँ दिल्ली एनसीआर उत्तराखंड समेत उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप के इन झटकों में घरों में दफ्तरों में आसानी से महसूस किया गया है। जानमाल के नुकसान की कोई खबर अभी तक दर्ज नहीं की गई है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने बताया कि भूकंप दोपहर करीब 2:28 पर आया जिसकी तीव्रता 5.8 और केंद्र बिंदु नेपाल बताया गया। खबर प्रतापगढ़ से है। यहाँ पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर की गई अमर्यादित टिप्पणी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता और पदाधिकारियों ने इंदिरा चौक पर एकत्रित होकर स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला दहन किया है और कस्बे में घूम घूम कर मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। उन्होंने कहा कि धार्मिक ग्रंथों पर किसी भी तरह की अमर्यादित टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे सनातन संस्कृति, हमारे सनातन धर्म के जो ग्रंथ है रामचरितमानस, उसका मान किए हम उनका विरोध करते हैं। और प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, यदि वहाँ आते हैं तो उनको काला झंडा दिखा के काला मुंह करके पूरे प्रतापगढ़ में घुमाऊंगा उनका, क्योंकि सनातन संस्कृति का अपमान भारत का, हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान का व्यक्ति कभी बर्दाश्त नहीं करने वाला है। क्या कुछ संदेश है लोगों तक संदेश, क्या कुछ संदेश है जिस तरीके से पुतला दहन किया गया? संदेश यही है स्वामी प्रसाद, जहाँ तुम हो वोट में आ जाओ, नहीं तो सनातन धर्म के लोग तुमको छोड़ने वाले नहीं है। खबर गाजीपुर से है, जहां नेपाल विमान हादसे में मारे गए चारों युवकों के शव आज परिजनों को सौंप दिया गया है। मृतकों के परिजनों ने मोहम्मदाबाद के सुल्तानपुर शमशान घाट पर सभी युवकों का अंतिम संस्कार किया। इस दौरान सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त उपस्थित रहे। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि चारों युवक की असमय मौत अपूर्णीय क्षति है, सरकार की तरफ से मृतक के परिजनों को हर संभव मदद दी जाएगी। अस्वाभाविक मौत, अस्वाभाविक दुर्घटना हमेशा दुखद होती, और इस दुखद दुर्घटना में शासन और प्रशासन की तरफ से जितना भी सहयोग संभव हो सका है किया जा रहा है, भविष्य में भी जरूर किया जाएगा। सांसद जी, जैसे ये शव कै बजे गाजीपुर आया और क्या क्या मदद इन परिजनों को दी गई? 5-5 लाख रुपए योगी जी की तरफ से घोषणा हुई थी, कल परिजन भी पहुंचे थे। जितने भी घोषणा हुए हैं उसको पूरी तरह पालन किया जाएगा। मैं उस क्षेत्र खबर गाजियाबाद से है। यहाँ खोड़ा थाना निवासी जगदीश जागरण कार्यक्रम से वापस लौटते समय एक अज्ञात शख्स ने चाकू से हमलावर कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल ने घर पहुंचकर परिजनों को घटना की जानकारी दी और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने बताया कि जागरण कार्यक्रम से रात वापस घर आ रहे थे, इसी दौरान एक शख्स ने शराब पिलाने को कहा। शराब पिलाने से मना करने पर चाकू से हमला कर दिया। हत्या की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस अधिकारी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर हत्यारे की पहचान और तलाश में दबिश कर रही है। क्या नाम होगा आपका? पंकज। रविवार की सुबह में एक चाकू मारते हुए वीडियो वायरल हो रहा है सीसीटीवी में, क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि सुबह 2:30-3 के बीच में ऊपर से नीचे उतर के आए, जागरण हो रहा था गली में, देखने के लिए आए
उसके बाद में हम लोग तो सो रहे थे, मुझे खुद नहीं पता है। उसके बाद में यहाँ पे किसने चाकू मारा गली में, इस साइड में शुभम हॉस्पिटल के पास में गए हुए थे। आप क्या लगते हैं मृतक? मैं तो उनका बेटा हूँ बड़ा। कहाँ ले गए थे उनको इलाज के लिए? इलाज के लिए तो वैसे सेक्टर 30 ले के गए थे। अच्छा, डॉक्टर ने क्या किया? मना कर दिया साहब। जो आरोप, क्या नाम होगा आपका? सर मेरा नाम प्रकाश। क्या लगते हैं मृतक? मृतक का मैं सर बहनों ही लगता हूँ। क्या कुछ पूरा मामला है? सीसीटीवी में कैद है, चाकू मारते हुए युवक वहाँ पर दिख रहा है। सर ये हमारे साले साहब रात में करीब 2-3 बजे के आसपास आए नीचे जागरण देखने के लिए, और वहीं से सर कोई उनको बुला के ले गया अज्ञात आदमी, जिसने की जो है शिवम हॉस्पिटल के पास में उनको चाकू से हमला खोल। बताया जा रहा है कि शराब पीने को लेकर ये विवाद चला था। हाँ सर, ये भी सुनने को आया है कि किसी उसने कहा कि मेरे को शराब पिलाइए, तो इन्होंने कहा मेरे पास रात में शराब कहाँ रखी है, तो उसने कहा कि नहीं अगर तुम नहीं पिलाते हो तो मेरे साथ आओ मैं पिलाता हूँ। दिनांक 23/1/2023 को थाना खोड़ा पे एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें वारी द्वारा बताया गया कि उनके पिता जगदीश जब 22/23 की रात्रि में अपने घर लौट रहे थे जागरण देख के, तब एक विनीत भाटी व्यक्ति द्वारा उन पर चाकू से हमला कर दिया गया। घायल अवस्था में ही उनको उनके परिवारजनों द्वारा नोएडा के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पे 23 तारीख की सुबह उनकी मृत्यु हो गई है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन कर दिया गया है, जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।